अरबी की पत्तियों को सूखने से कैसे रोकें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिहर सिंह, हरिहर सिंह इन्फो ट्यूब से बोल रहा हूँ। अरबी की पत्तियाँ सूख रही हैं, तो इसको कैसे रोका जाए, उसका कारण क्या है सूखने का, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो किसान भाइयों के खेत की मिट्टी सफ़ेद तरह की होती है, जिसे पिडोर कहते हैं, और जो मैं आप बात कर रहा हूँ, ये गमले के लिए भी लागू होती है। इसमें ये जो मिट्टी सफ़ेद होती है, इस खेत में अरबी ना लगाएं। पहली बात, जिस खेत में पिरोड़ मिट्टी हो, उस खेत में अरबी ना लगाएं, जिसमें प्रखलक होता है, छोटी छोटी मिट्टी के टुकड़े रहते हैं जो गलते नहीं हैं। तो दोस्तों, पहला ध्यान तो रहे कि अगर आप गमले में लगा रहे हो तो ऐसी मिट्टी ना डालें जो सफ़ेद मिट्टी हो। और यहाँ पर भी गमला और ज़मीन किसान के खेत की सेम बातें होती हैं दोस्तों। दूसरा कारण है कि यदि मिट्टी काली है, लाल है, उपजाऊ है, उसके बाद भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो एक कारण माहू भी होता है। पत्तों के पीछे माहू रोग लग जाता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। कारण होता है, जैसे ये देखिए, ये पत्ते देख रहे हैं सूख रहे हैं, तो अगर माहू यहाँ लग जाता है, इसमें नहीं लगा है, तो भी पत्ते इस तरीके से सूखने लगते हैं। ये दूसरा कारण माहू होता है, पहला कारण मिट्टी होती है। तो दोस्तों, जो माहू रोग लग जाता है तो पत्तों का इसे रस चूस लेते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो माहू की सुरक्षा के कारण आप फंगस, आपको हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं कि जो माहू के लिए, एक तो अभी अभी दिया हूँ जिसमें कोई भी बीमारी का एक ही इलाज है, अगर आप ऑर्गेनिक स्प्रे करना चाहते हैं तो। अगर आप गमले में लगाए हैं तो ऑर्गेनिक ही करिए, क्योंकि खेती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो आप बाहर से दवा ला सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों फंगस। फंगस में भी एक कारण हो सकता है कि हम अंत में बताएंगे फंगस के क्या इलाज है। सबसे बड़ा कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है मौसम। अगर आप अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हो, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी पड़ती है, मौसम अगर ख़राब चल रहा है, सबसे ज़्यादा ख़राब होने का कारण है मौसम। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अक्टूबर नवंबर अरबी ना लगाएं। अगर ठंडी का रहता है तो रात को बहुत ठंडी आ जाती है, दिन में धूप आती है तो गर्म आ जाता है। ये ठंडी गर्म के मौसम से भी अरबी के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ के गिर जाते हैं। तो अरबी को अलग अलग मौसम पसंद नहीं है दोस्तों। अरबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में ना करें, मार्च अप्रैल मई जून में करें। हम आपको एक स्प्रे बता रहे हैं जो फंगस और मांडू दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब बात यह है कि यदि आप ऑर्गेनिक स्प्रे करना चाहते हैं, तो आपको एक ही वीडियो दिया था मिर्च, प्याज, लहसुन, एलोवेरा का, जो आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप केमिकल स्प्रे करना चाहते हैं तो बलोरोफाइट प्लस सल्फर मेथिन दोनों मिला के, या मेकचोम इमिडा ग्रेपेड या सल्फर मेथिन मिला के, या आप टाटा M45 का स्प्रे कर सकते हैं। पर इनमें चिपको ज़रूर मिलाना, क्योंकि अरवी का जो पत्ता होता है बहुत चिकना होता है, उस पर दवा रुकती नहीं है, तो एक चिपको ज़रूर मिला देना, उसमें अवश्य मिलाना, जिससे पत्ते पे चिपक जाए। अरवी के पत्ते चिकने होने की वजह से दवाइयाँ उस पर रुकती नहीं है दोस्तों। और
यही सब करना। और गर्मी के आजकल तो अभी हम आज 18 जुलाई है, ये जो अरबी दिखा रहे हैं आपको, तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है, तो हमारे जो गमले के पत्ते सूखे हैं ये मौसम की वजह से ही सूखे हैं, इसमें कोई रोग नहीं लगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, एक तो मौसम की वजह से होता है, जैसे मौसम ठीक होगा ये वापस बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा है, कोई बीमारी है तो आपको दवाई बताया उसका स्प्रे करिए, और समय समय से इसको फर्टिलाइज़र देते रहिए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।